हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना वार्डरोब कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये मेरा वार्डरोब है, आप लोग देख सकते हैं कितना अनऑर्गेनाइज है, यहाँ पे कुछ ठीक से नहीं है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी इसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है स्टेप बाय स्टेप। वेलकम टू इंडियन मॉम केयर माय वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अभी समर आ गया है और मेरे को इसको ऑर्गेनाइज करना है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विंटर के जैकेट वगैरह निकालने से और फिर मैं अपनी गर्मी के इसमें डालती हूँ। पहले अपने विंटर के क्लोथ्स निकालती हूँ। ड्राई टिश्यू पेपर लेके इसे पूरा पोंछ लूंगी। अब क्लीन करते हैं। गाइस, मैंने अपने पूरे वार्डरोब को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। अब मैं अपने सारे समर कपड़ों को हैंगर में लगा के एक एक करके अपने वार्डरोब में लगाते जाऊँ। तो फिर चलिए, अपनी ड्रेस को हैंगर में टांग लिया है। अब मैं एक एक करके सारे कपड़ों को इसी तरह से इस पे हैंग कर दूंगी। टाइट कपड़ों को एक साथ रखूंगी और डार्क कपड़ों को दूसरी तरफ रखूंगी। मैंने अपनी लाइट कलर की ड्रेसेस को यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं स्टार्ट करूंगी डार्क कलर की ड्रेसेस को लगाना। सो गाइस, मैंने अपने लाइट और डार्क कलर के ड्रेसेस को टांग दिया है। अब मैं अपने टॉप्स को टांगूंगी। तो ये यहाँ पे मेरा एक सुंदर सा टॉप है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं सारे अपने टॉप्स को टांगना स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, मैंने अपने सारे कपड़ों को फोल्ड करके ऐसे कर दिया ताकि नीचे कोई स्पेस हो जाए, ताकि मैं अपने डेली वेयर के कपड़े यहाँ डाल सकूँ। तो अभी मैं अपने डेली वेयर के कपड़े यहाँ डालूंगी, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पास दो बास्केट्स हैं और मैं इनमें अपने इनर वेयर रखूंगी। तो मैं इन्हें यहाँ पे रख देती हूँ। सबसे पहले हम लोग अपने इनर वेयर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सो गाइस, हम लोग इसी तरह से मोड़ते जाएंगे और बास्केट में रखते जाएंगे। टेप्स हैं, मैंने इनको सबको ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। आप और भी रख सकते हो किसी, क्योंकि इसमें अभी और भी ज़्यादा स्पेस है। तो मैंने अपने सारे टेप्स को रख लिया है। अब हम लोग इसे अपने वार्डरोब में रखते हैं। मैं अपने टेप्स को अब इसके अंदर रख देती हूँ। गाइस, हम लोग अपने सारे पैंटीज को इसी तरह से रखते जाएंगे। मैंने इसे ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब मैं इसे अपने वार्डरोब में रख दूंगी। तो अब मेरे जो एक्स्ट्रा डेली वेयर के कपड़े हैं, मैं उन्हें यहाँ रख दूंगी। सो गाइस, ये मेरे शॉर्ट्स हैं डेली वेयर के, अब मैं इन्हें यहाँ रख देती हूँ। सो गाइस, ये मेरे वो कपड़े हैं जो फिलहाल किसी काम के नहीं आएंगे मेरे, तो मैं इन्हें इस ड्रॉअर में डाल दूंगी, क्योंकि ये मेरे फिलहाल किसी काम के नहीं है। ये मेरे
फुल स्लीव्स के सारे कपड़े हैं, इसलिए ये मेरे अभी काम नहीं आएंगे, मैं इन्हें बारिश के दिनों में पहनूंगी, इसलिए मैंने इन्हें अंदर रख दिया है। तो सेकेंड ड्रॉर में मैं अपने टी शर्ट्स रखूंगी, मैंने इन्हें अच्छे तरीके से फोल्ड कर दिया है, तो मैं इन्हें अभी अपने वार्डरोब के अंदर रख देती हूँ। ये मेरे फुल स्लीव्स के शर्ट हैं, लेकिन मैं इनका गर्मियों में फोल्ड करके यूज़ करूँगी, तो मैं इन्हें सामने में यहाँ कॉर्नर में रख दूँगी। सो गाइज, ये मेरे सारे डेली वेयर के टी शर्ट्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने डेली वेयर के टी शर्ट्स को यहाँ बीच में रखूँगी, तो मैं इन्हें यहाँ पे रख देती हूँ। तो मैंने अपने डेली वेयर के टी शर्ट्स और शर्ट्स को यहाँ पे रख दिया है। फ्रेंड्स, तो ये मेरा हैंगर है और इसमें मैं एक एक लेयर करके अपने सारे स्कर्ट्स को टांग दूंगी। अब मैं अपने सारे स्कर्ट्स को टांगूंगी, वो भी इस तरीके से। और मैं ऐसे करते करते ऊपर तक चली जाऊंगी। मैंने अपनी सारी स्कर्ट्स को ऐसे लगा दिया है, तो अब मैं इन्हें टांग दूंगी। ये मेरा श्रग है, तो श्रग आप सब जानते ही होंगे, श्रग्स बहुत पतले होते हैं, तो ये कहीं पे भी अट जाएगा, तो मैं अपने सारे श्रग्स को यहाँ पे टांग दूंगी। गाइज, ये हैंगर बहुत काम का है, यहाँ पे आप अपने छोटे छोटे बैग्स, पर्सेस, श्रग्स, बेल्ट्स कुछ भी टांग सकते हैं, आप ऐसा खरीद के अपने घर में भी लगा सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरी मम्मी के चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।